Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। ठीक है, तो आज हमारे एक स्टूडेंट हैं और हम इनसे बात करेंगे। एक होनर का सेट है 9 लाइट, तो हमने इनको सारा ट्रिक बताया हुआ है, सब कुछ हुआ है। ये लाइव आज FRP इसकी हटाएंगे। दिखा दो FRP पे है कि नहीं, पहले स्किप नहीं हो रहा है, हो रहा है, स्किप होगा बट वो जैसा आ रहा है। हाँ, स्किप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये FRP पे नहीं होता तो स्किप हट जाता। चलिए ठीक है, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए फिर। हाँ, मेरा नाम अभय सिंह, मैं राजस्थान से आया हूँ। ठीक है, और ये हमारी क्लास है, सॉफ्टवेयर की क्लास चल रही है। और ठीक है, ये लाइव प्रैक्टिकल हो रहा है, लाइव चलेगा कि लाइव आपको फ्लैशिंग दिखाई जाएगी यहाँ पे FRP MRT डोंगल से। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करना होता है आप हमें बताइए। सबसे पहले हमारे को इनको टेस्ट पॉइंट ढूंढना है गूगल पे। टेस्ट पॉइंट ढूंढना है, तो टेस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए क्या करना है बताइए। एक बताइए, गूगल में जाएंगे, मॉडल नंबर, टेस्ट पॉइंट लिखेंगे, तो आपका होना 9 लाइट का टेस्ट पॉइंट। ठीक है, दिखा दीजिए, आपने गूगल में देखा था ना, कहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट? इसका टेस्ट पॉइंट इधर है, हाँ, इसका टेस्ट पॉइंट ये। ठीक है, आप लोगों टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेंगे ना। ठीक, चलिए फिर उसके बाद क्या करना है आपको? MRT ओपन करेंगे। MRT को ओपन करेंगे, ठीक है, उसके बाद में हवाई हवाई का टूल खोलेंगे। नहीं, लाइट बंद करो, आपको हवाई का, बट तब कराइएगा जब आपको लगता है कि हमारे यहाँ सेट करीबन 2-3 तो आ ही गए, तो आप MRT का एक्टिवेशन कराइएगा। बट जिसमें एक्टिवेट है, अगर एक्टिवेट नहीं रहेगा तो स्टार्ट आइकन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, आपके उस वाले टूल में नहीं होगा। इसमें आपको कोई बूट लोडर वाला जो मसला होता है वो इसमें बूट लोडर का मैं आपको बताऊं, मसला बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसमें बस पोर्ट बनाना है और वन क्लिक में FRP। ठीक है, बताइए। उसके बाद हम डिवाइस मैनेजर खोलेंगे और डिवाइस मैनेजर खोल लीजिए। ठीक है, अब फोन को कनेक्ट करेंगे। फोन को कनेक्ट करने के लिए बताइए, इनसे पूछिए फोन को कनेक्ट कैसे करना है। इधर कैमरा दिखाइए, बताइए फोन को कैसे कनेक्ट करेंगे। टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करना है, टेस्ट पॉइंट ऑफ ग्राउंड, और फिर USB को कनेक्ट करना है, USB केबल लगाएंगे। ठीक है, चलिए लाइव दिखाइए, बात आ जाइए कहां पे टच दिखा लो। रख लो फोन को, रख लो, ये एक्चुअली बहुत एक मिनट, एक लोग आ जाओ, तुम टच कर दो, ये देखो, टच पॉइंट और ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना और इसको इंसर्ट करना है। देखिए, आपको टच पॉइंट और ग्राउंड, ठीक है, यूजर पे टच करना है और USB केबल को लगाना है। चलिए इधर देखिए, आराम से फोन को रख दो, बैटरी निकालो, ठीक है, पोर्ट में, हाँ, 01 पोर्ट नहीं बना है। ठीक है, फिर से बताइए उसको, डाटा केबल निकालिए और बैटरी को बताइए, तो हमें कितना पोर्ट चाहिए। ये देखिए आ गया 1.0 आ गया, ये हमें पोर्ट चाहिए, जैसे ही कॉम आ जाएगा आपकी वन क्लिक में FRP रिमूव हो जाएगी। ठीक है, लाइव भी करिए। चलिए अब कहां पे जाएंगे, अनलॉक है, अनलॉक अकाउंट पे जाएंगे, दिखाइए, फिर धीरे से FRP क्लिक करेंगे, फिर और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है Thank you.
ये क्लियर है, पर ब्लॉक हो गया हमारा, पर में निकल गया है एक बार। नहीं रिस्टार्ट नहीं होगा, अभी पोर्ट बना ही है। ठीक है, कॉम पे क्लिक करिए। ऐप स्टॉप, अच्छा चल ही रहा है, रुकिए एक मिनट। कि नहीं घटा था उसमें अनलॉक अकाउंट पे, तो हम एक बार वापस कनेक्ट करके देख रहे हैं। गाली मिली जरा, और एक बात बन गया पोर्ट, ये देखो इधर आइए। हमें कौन सा पोर्ट चाहिए? 1.0 थोड़ा इधर साइड कर दो, बन गया ना। आप कहाँ पे जाना है? यूएसबी कॉम 1.0 659 फिर स्टार्ट दबा दीजिए। ये देखो हो रहा है जी, ये देखो नीचे हो रहा है, ये देखिए नीचे हमारी ये हट रही है। तो आप अगर इधर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप क्या कर देंगे? हो गया, हो गया, देखिए फोन रिस्टार्ट हो गया होगा। हो गया फोन, अरे दिखाओ फोन स्टार्ट हो गया, क्योंकि कोई हमारे चैनल में कोई फेक वीडियो नहीं बनती। मैं आपको एक्चुअल में दिखा दूं, ये फोन आपके पास लाइव। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे गए थे अनलॉक अकाउंट पे गए थे हम, फिर हमने क्या किया था नहीं हुआ, बट हमारा ये फिर हमने यूएसबी कॉम पे गया 1.0 जो कि हमारा वहाँ पे डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बना हुआ है। तो हम यहाँ पे गए, फिर क्या लिया हमने, सीपीयू टाइप लिया, सीपीयू कौन सा लिया 659 लिया, फिर हमने क्या दबा दिया FRP। अब देखते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्किप वीडियो नहीं है दोस्तों, हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, और हमारे स्टूडेंट ही हैं हम, अगर कोई फेक वीडियो नहीं है। क्या ये फेक वीडियो है क्या? हम लाइव चल रहे हैं ना, क्योंकि देखिए एक्चुअल में अगर ये, अगर दूसरे, मैं नहीं कहता क्या कैसा है, बट अगर यही चीज रुक जाता तो दूसरे स्किप करके वहां से ही हटाते। हमने प्रॉपर लाइव को रखा है, और फिर हमने कहां से हटाया, कोई मैंने स्किप वीडियो की क्या? ठीक, ये हमारा फैक्ट्री रिसेट हो रहा है, इसीलिए चलने दो उसको। ठीक है, जब तक वो चल रहा है तब तक थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लगा ये सॉफ्टवेयर की क्लास करके, क्योंकि अभी कुछ दिन की क्लास आपकी बची हुई है। यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट प्रगमेटा टेक सीपीयू क्वालकॉम, जैसे हम सीपीयू वाइज बात करें तो आपको कैसा लगा यहाँ पे? सर बहुत अच्छा लगा, और सॉफ्टवेयर में हमारे को कुछ नहीं आ रहा था, और अभी आने के बाद हम कैसा भी कीपैड से लगा आईफोन लेवल तक सब मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं, और सीपीयू पता कर सकते हैं, फाइल से में हम पहचान सकते हैं कौन सा सीपीयू है, कौन सा फाइल किस सीपीयू में चढ़ेगा, वो सब हम पता कर सकते हैं। सीपीयू वाइज भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि हम कभी कभी होता है कि हमारा वो मीडिया टेक है पर उसमें फाइल कौन सी आती है, बैच, कौन सी फाइल आती है, बैच फाइल आई तो किस टूल से होगा, फास्टबूट कमांड वाले टूल से। ठीक है, हम आज सोनी की बात करते हैं, क्योंकि आज हमारी क्लास सोनी की हुई है, सोनी और ये होनर की भी हुई है। तो सोनी में कौन सी फाइल आती है? FTF। कौन सा टूल यूज होगा बताओ? सोनी फ्लैश टूल। ड्राइवर कहाँ मिलेंगे बताओ चंदन, ड्राइवर कहाँ मिलेंगे SP फ्लैश टूल के? सी ड्राइव में, मतलब SP फ्लैश टूल में ही ड्राइवर मिलेंगे, हमें अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमारे ड्राइवर उसी में मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए हम कहीं पे भी स्किप वीडियो नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लेट हो रहा है या फिर रुक रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, कोई वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रॉपर ऑन हो रहा है, फिर हम देखते हैं FRP इसकी हटी है कि नहीं। ठीक है, एग्री करिए, ऊपर भी एग्री करिए। अब हमारा स्किप बटन क्या होना चाहिए, ये देखिए दोस्तों हट गया स्किप बटन, हमारी फर भी हट गई है। अब हम कल की बात करते हैं, आवाज कहां तक जानी चाहिए, घर तक जानी चाहिए, नहीं पहुंची तो उसे हम क्या कर देंगे, पहुंचाएंगे, पहले सेट ऑन हो जाए फिर पहुंचाते हैं। देखिए दोस्तों प्रॉपर ये सेट ऑन हो गया है,
ठीक है, इंडिया का नंबर वन स्ट्रीट कौन है? इंडिया का नंबर वन स्ट्रीट कौन है? ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एसर टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, यह आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे, अलग लेवल में बैठे रहते हैं। कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना एक महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। तो सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक, वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीज़ें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज़ नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। हाँ, पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के नहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल है तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिराकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरक्की बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के वो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे? तो मैं यहाँ पे गए तो 2-3 स्टूडेंट थे, उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है, नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के IC को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं सर? इसका EMMC और CPU निकाल करके दोबारा लगाया और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो
Download mobile free repairing Android apps. Link in description.